ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सो मूविंग अहेड, मेरा नाम होते है प्रदीप है एंड मैं नवी मुंबई खारघर से हूँ। मैं जस्ट मेरा रिजल्ट शेयर करता हूँ आपके साथ में, बिकॉज अमेजिंग राइट। सो अगर दिख रहा है तो जस्ट वन सेकेंड, सॉरी स्टॉप शेयर, वन सेकेंड, स्क्रीन दिख रहा है, वन सेकेंड शेयर अगेन, यस आई थिंक अभी दिख रहा होगा। सो ये मेरा बिफोर आफ्टर है, इफ यू कैन सी, अमेजिंग अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 2013 में मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ था एंड उसके बाद से मैं व्हील चेयर में हूँ। मेरा ये अमेजिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करने का टाइम था ऑलमोस्ट 2020 में दिसंबर, वन अभी 3 साल हो गए ऑलमोस्ट, यस ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट होने आया है। बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कोचेस की बात मान के, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके, वर्कआउट बहुत ज्यादा नहीं होता, चेस्ट के नीचे मेरा बॉडी पैरालाइज्ड है, बट सुपर ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस अमेजिंग कम्युनिटी। काफी सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, वेट बढ़ा था, स्किन खराब थी, डाइजेशन खराब था, एसिडिटी का काफी सारा दिक्कत होता था, बहुत सारे चैलेंजेस लेके आया था, बट बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग अमेजिंग कम्युनिटी एंड दीज अमेजिंग अमेजिंग कोचेस, सुपर मेरा रिजल्ट है एंड आई एम सो सो हैप्पी के आई एम पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग अमेजिंग कम्युनिटी। सो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ, विच इज बेसिकली अडल्ट्रेशन इन मिल्क। ठीक है, सो हम नॉर्मली यहाँ पे दूध ऑलमोस्ट ऑल पीपल कंज्यूम करते हैं बचपन से। बहुत काफी सारा पेरेंट्स, सभी लोग मतलब प्रेफर करते हैं कि हाँ दूध बहुत अच्छा होता है, दूध पिलाना चाहिए, राइट। एंड बच्चों को बचपन से हम दूध पिलाते हैं एंड प्रेफर करते हैं कि एवरी डे एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ मिल्क तो पिया जाए। बट चैलेंज ये आ रही है कि आज की तारीख में दूध है ना, है अच्छा प्योर नहीं मिल पा रहा है। तो ये चैलेंजेस है और इसके रीजन भी है कि एक्चुअली प्रोडक्शन कम है, राइट। एंड क्योंकि देखिए सारे ही लोग दूध प्रीफर करते हैं पीना, बट इतना दूध प्रोडक्शन होता नहीं, इतनी गायें है नहीं, और इसमें दिक्कत ये हो रही है कि फिर हम जब अगर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो लोग उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, ऑफ कोर्स ये बिजनेस ही है आफ्टर ऑल, राइट। सो उनका बिजनेस है ये, तो ये क्या करते हैं कि मे बी कुछ चीजें ऐड करना शुरू करते हैं मिल्क में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें, सबसे बेसिक बेसिक जो चीज ऐड की जाती है वो है पानी, ठीक है। वाटर एक सबसे बेसिक चीज ऐड की जाती है, इससे मतलब कोई नुकसान नहीं होता है पानी ऐड करने से, बट टेस्ट ऑफ कोर्स डाइल्यूट हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि अगर इन्होंने जो पानी ऐड किया हुआ है, हम घर पे भी पानी ऐड करते हैं कभी कभी मिल्क को पतला करने के लिए, किसी चीजों के लिए, रेसिपीज के लिए, बट अगर बाहर से जो पानी ऐड किया गया वो अगर अच्छा अच्छा पानी नहीं है, मे बी अनसेफ पानी है, प्योरिटी खराब है, तो ऑफ कोर्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, तो पानी ऐड करने से ये दिक्कतें आती है। अभी क्या होता है कि अगर ये लोग पानी को ऐड करते हैं और उसके अंदर अभी पानी ऐड करने से दूध पतला हो गया, तो इसको थिकन करने के लिए फिर इसमें स्टार्च ऐड किया जाता है, ठीक है। स्टार्च मतलब कॉर्न स्टार्च जैसी चीजें या तो चॉक जैसी चीजें, ये सब चीजें ऐड की जाती है, इससे क्या होता है कि दूध वापस थिक होने लगता है, तो कॉस्ट भी कम रहता है अगर स्टार्च ऐड करते हैं, दूध की क्वांटिटी भी बढ़ गई तो ऑफ कोर्स उनको मुनाफा ज्यादा मिलता है। तो दे स्टार्ट पीपल स्टार्ट एडिंग कॉर्न स्टार्च जैसी चीजें, पर कॉर्न स्टार्च जब ऐड किया जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है जो ब्लड शुगर को तुरंत स्पाइक करता है, तो दिस इज नॉट गुड फॉर पीपल हुआ जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, जो डायबिटिक है, तो इनका तुरंत ब्लड शुगर स्पाइक होता है। एंड ऑफ कोर्स इन अ नॉर्मल डे टू डे बेसिस से इंसुलिन स्पाइक होना बहुत अच्छी बात नहीं, ठीक है। तो ये एक चीज होगी। उसके साथ साथ में क्या किया जाता है कि यूरिया ऐड किया जाता है, कुछ कुछ लोग यूरिया ऐड करते हैं। यूरिया क्या करता है कि इसको एक ऐसी क्वालिटी, ऐसा जैसे लगता है कि दूध थिक है, इसमें मलाई अच्छी बनेगी, बटर ही बनेगा, ठीक है। तो यूरिया से मिल्क थिकन होना शुरू होता है, क्रीमी फील होता है, कि यूरिया से किडनीज का प्रॉब्लम हो सकता है, लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट। डिटर्जेंट्स ऐड किए जाते हैं, डिटर्जेंट्स एक्चुअली जो सोप होता है ना उस टाइप का डिटर्जेंट्स होते हैं। डिटर्जेंट जब ऐड किया जाता है तो ये क्या करता है कि दूसरी जो चीजें इन्होंने मिलावट की हुई है,
साउंड आ रहा है सबको? जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आवाज आ रही है मेरी। सर आ रहा ओके है ज्योत्सना मैम, आई थिंक आपका कहीं तो माइक का इशू है, आप जब चेक कर लीजिए आपके स्पीकर को। ज्योत्सना मैम ने मैसेज डाला है। ओके सो डिटर्जेंट्स ऐड किए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो दूसरे चीजें मिलावट होती है इनको ये अब्सॉर्ब कर लेता है, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि ये कुछ भी मिलावट की गई है। ठीक है, डालडा और पामोलिन ऑयल वगैरह चीजें ऐड की जाती है ताकि मिल्क ऐसे फैटी और क्रीमी फील हो, तो ये भी चीजें ऐड की जाती है तो फील इम्प्रूव करने के लिए मिल्क का। अभी बहुत सारे केमिकल्स जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, अपना ये क्या बोलते हैं H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, कॉस्टिक सोडा, ये सब चीजें एक्चुअली ऐड की जाती है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर जहाँ पे या तो कंपनीज के वहाँ पे ये ऐड की एक्चुअली जाती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे मिल्क खराब ना हो। मिल्क नॉर्मली अगर आप रेफ्रिजरेटेड प्रॉपरली रखते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं या कहीं रखते हैं तो खराब नहीं होता है, बट क्या होता है कि यहाँ से वहाँ एक सिटी से दूसरे सिटी में भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जब ट्रांसपोर्ट होता है तो दीज पीपल एक्चुअली एड दीज केमिकल्स सो दैट ये मिल्क अगर रूम टेम्परेचर पे रह गया, बाहर रह गया, ठंडा ना हो पाया, कोई तकलीफ हुई तो उसके अंदर मिल्क खराब ना हो जाए, ठीक है, मिल्क का दही ना जम जाए, तो ये प्रिवेंट करता है उससे, तो ये केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, राइट। सो ये इतने सारी चीजें मिल्क में ऐड की जाती है एज अडल्ट्रेंट्स, ये बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं चीजें ऐड की जाती है। ओके और एक लास्ट चीज ऐड की जाती है जिसको बोलते हैं बोरिक एसिड या बोरिक पाउडर, तो ये ऐड जब किया जाता है तो ये मिल्क का टेस्ट जो है ना वो मिल्क जैसा ही रखता है। ये सब चीजें ऐड करते तो कहीं ना कहीं टेस्ट में चेंज आ जाएगा, तो बोरिक एसिड ऐड किया जाता है ताकि वो टेस्ट चेंज ना हो। तो इतनी सारी चीजें की जाती है हमारे मिल्क के साथ में ताकि एंड बहुत बहुत मतलब डिफिकल्ट है ये सब हर एक चीज डिटेक्ट करना। मार्केट में किट्स मिलती है एक्चुअली, आप आपके मिल्क को चेक कर सकते हो, तो कितना हम चेक करें, कब कब चेक करें, हर एक बार हम घर पे लाएंगे तब चेक करेंगे, नॉट पॉसिबल, राइट। सो काफी डिफिकल्ट पड़ जाता है। सेकेंडली ये तो चलो मिलावट का बात होगा, सपोजिंग आप जाते हो डायरेक्टली तबेले से लेके आने की ट्राई कर कि मैं मेरे घर के नजदीक में ही कोई है जिनके पास बफेलोज है, तबेला है, वहां से हम लेके आए, पर यू आर नॉट श्योर कि वो एक्चुअली अपनी गायों को क्या खिला रहे, क्या दे रहे। पहले के टाइम में गाय फ्री घूमती थी, उनको खाना अच्छा मिलता था, सब चीज अच्छा मिलता था, तो जो काउज एंड बफेलोज का मिल्क भी प्योर मिलता था। अभी के टाइम में उनको हार्मोन्स दिए जाते बेसिकली क्या बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर हार्मोन, जैसे ग्रोथ फैक्टर हार्मोन 1 जैसे होता है वो दिया जाता है ताकि उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए। ये एक्चुअली हार्मोन्स थ्रू द काउज मिल्क हमें भी आते हैं एज ए ह्यूमन, और हमारे में एक्चुअली ग्रोथ फैक्टर हार्मोन ऑलरेडी होता है, पर ये एडिशनल जब आता है तो थिंग्स लाइक प्यूबर्टी इन वेमेन देखा जाता है, मेन में अर्ली प्यूबर्टी देखा जाता है, एंड मेन के लिए प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है, बिकॉज ये गायों का प्रोडक्शन दूध प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए गाय ज्यादातर, तो उसके लिए उनको हार्मोन्स वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारी चीजें जो हम नहीं ध्यान रख पाते, हम लाना तो चाहते हैं सबसे बेस्ट से बेस्ट, पर पता नहीं कि कहाँ ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, देखो मैंने इतनी सारी चीजें पता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन हो गया हमें पता नहीं चलेगा, और हमारे हेल्थ के लिए बहुत सारा हानिकारक ये सब हो सकता है। सो अडल्ट्रेशन का ये बात हुआ। सेकेंडली हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, सो आई थिंक मेरे घर में 3 साल से है ना दूध मतलब बेयर मिनिमम कभी आया तो आया, नहीं तो हम शेकमेट ही यूज करते हैं। ऑलराइट, शेकमेट हर्बललाइफ का इज एन अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट जो एक्चुअली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिल्क में जो भी प्रॉपर्टीज है ये मिल जाती है, इसमें 1/3 ऑफ लैक्टोज है तो लैक्टोज की भी जो इंटॉलरेंस है वो भी नहीं होती है। सेकेंडली इसके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम फोर्टिफाइड है, ये इसके अंदर फाइबर भी होता है एंड इट इज अ लो जीआई प्रोडक्ट, सो इतना अमेजिंग रहता है। हम खीर शीर खुरमा हो गया, कोई मिल्क की कोई भी आइटम्स हो गई, आइसक्रीम्स वगैरह भी शेकमेट से ही बनाते हैं एंड इट टेस्ट अमेजिंग, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये 151 टेस्ट होके हमारे पास आता है, सो इट इज वेरी हाईली रिलायबल बिकॉज ये सारा चीजें टेस्ट होके हमारे पास आती है। सो ऑफ कोर्स दैट इज द एंड टू माय सेशन, थैंक यू सो मच हेमंत सर एंड ओवर टू यू। दिल मेरा।